तो भाई अभी हम वालकुंड पहुंच गए हैं। अभी हम पहुंच गए हैं महाड़। मेरे साथ पवन भी है, इनको आपने देखा कुंभे वाटरफॉल और मलसिज घाट के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पर मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा, वो आप चेकआउट कर लेना। और अभी हम मुंबई गोवा हाईवे पर हैं। और पवन के साथ मैं आया हूँ। पवन थोड़ा गर्म हो रहे हैं, वो आग सेक रहे हैं, थोड़ा ठंडा लग गया उनको। उसको लगा कि हम लोग एक दो घंटे का रास्ते पे जा रहे हैं, लगा नहीं उसको 5-6 घंटा लगेगा। तो ठंडा हो गया वो, इसलिए थोड़ा गर्म हो रहे हैं। अभी हम महाड़ दापोली रोड पर हूँ, तो यही है जो दापोली वाला जो रोड है वो यही रोड है। ड्रोन उड़ाने को मिलेगा तो मैं ड्रोन शॉट भी आपको दिखाऊंगा इस जगह का, बहुत बढ़िया सा। जहाँ रुके थे वहाँ पर रास्ते में काम हो रहा था, तो जहाँ से मुझे ड्रोन उड़ाना था वहाँ पर बहुत धूल मिट्टी उड़ रहा था, तो हम वापस वहाँ से निकल गए आगे। ड्रोन हमने फ्लाई नहीं किया। और हमें थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ से ब्रिज पूरा दिखाई दे रहा है, फिर हम वहाँ पर जाके बाइक को पार्क करके और सामने जो देख रहे हो दो दुकान, वहाँ पर हम लोगों ने बैग और अपना जूता रख के सीधा हम मंदिर चले गए दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज है, आप ऐसा खाली आंख से देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
जब मैं उसे लेंस या कैमरे से दिखाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा ये क्या चीज है। पूरा एकदम महाराज का जो खेस है ना उसका पूरा छुबी आ जाता है एकदम, जो पहाड़ है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा टाइम बाद। तो मैं थोड़ा टाइम पहले बोल रहा था ना कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना ये पूरा पूरा एकदम महाराज जी का फेस है। जैसा देखो ये दाढ़ी है, यहाँ पर ये होंठ है, ये एक नाक है, ये आँख है, और ये जो दिख रहे हो ये पूरा उनके सर के ऊपर जो है जो टोपी जो बोलते हैं मुझे इतना अच्छी तरह से पता नहीं, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे माफ़ कर देना, तो वही है। आप इसे देखो, आप ऐसा खाली आँख से देखोगे ना तो आपको सिर्फ लगेगा ये एक पहाड़ है, लेकिन जब इसे थोड़ा शांति से देखोगे ना, आराम से देखोगे तो ये लगेगा एकदम पूरा महाराज का ये फेस है। ये मैं सिर्फ परेल से यही चीज़ देखने के लिए आया, यही, क्योंकि ये जगह बहुत दिन से मेरे बकेट लिस्ट पर था, क्योंकि मैं आऊँगा बोल के मैं आ नहीं पाया, लेकिन आज मैं आ गया इस जगह को देखने के। बारिश में इस जगह का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, और अभी आप देख सकते हो इस जगह को कैसा है ये जगह। और बारिश में आप देखोगे ना तो आपको डर लगेगा इस पार से उस पार जाने में, ये ब्रिज के ऊपर से। शायद ब्रिज बंद रहता है बारिश में, क्योंकि लोगों को आने जाने के लिए दिया नहीं जाता होगा, क्योंकि इतना पानी इसमें भर जाता है।